नमस्कार, आज मैं आपके सामने मिक्स वेज सैंडविच बनाने जा रही हूँ। आइए देखते हैं उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये 3 आलू हैं जो हमने उबाल लिए हैं, उसके अलावा 50 ग्राम पत्ता गोभी, 1 टमाटर, 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज, 1 गाजर या आधा इंच बराबर अदरक और कुछ हरा धनिया। यहाँ पर मैं ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च और नमक। ग्रीसिंग के लिए हमने 1 चम्मच घी लिया है। सबसे पहले हम आलू को उबाल कर छील लेंगे और इन सब्जियों को काट लेंगे। गाजर और अदरक को हम ग्रेट कर लेंगे और हरा धनिया को बारीक काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह यहाँ पर गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है, सब्जियों को हमने बारीक टुकड़ों में काटा है और अदरक को भी हमने ग्रेट कर लिया है। अगर आपको अदरक पसंद है तो आप इसे ज़रूर सैंडविच में ऐड कीजिए, इससे सैंडविच का टेस्ट बढ़ जाता है। हरा धनिया भी बारीक काट लिया है, आलू को छील लिया है। एक बाउल में सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेंगे। उसके बाद उसमें सारी कटी हुई सब्जियां हम मिला लेंगे। इन सबको भी आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चाट मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्च और नमक भी मिलाएंगे और फिर से इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये फिलिंग 10 सैंडविच के लिए है। अब एक ब्रेड पर इस फिलिंग को अच्छी तरह से फैला लेंगे और दूसरे ब्रेड से उसको कवर कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरा सैंडविच भी तैयार कर लेते हैं। एक सैंडविच मेकर लेकर उसको ग्रीस कर लेंगे। और इसमें ये सैंडविच रखकर धीमी आंच पर करीब 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए, ये तैयार हो गया है। इसी तरह दूसरा सैंडविच भी सेक लेते हैं। ये भी तैयार है। इसे बीच से काट लेंगे और इसे हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।